हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने EBS का चैप्टर आवर नेशनल फेस्टिवल लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ होल कंट्री। दे रिमाइंड अस अबाउट आवर लेजेंड एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। लेट्स लर्न इट इन डिटेल। तो नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो सभी लोगों के द्वारा मनाए जाते हैं पूरे देश में, और ये हमें पुराने ऐतिहासिक जो भी इवेंट्स हुए हैं उनकी याद दिलाता है। फेस्टिवल इज अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड फन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट आवर नेशनल फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। वी विल रीड अबाउट दीज फेस्टिवल एंड नो अबाउट देयर सिग्निफिकेंस। फेस्टिवल एक ऐसा टाइम होता है जब हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं उसको और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी नेशनल फेस्टिवल हैं उनके बारे में बताया जाएगा, और उन्होंने उस फेस्टिवल को जो मनाते हैं, जिनके पीछे जो लोग हैं जिनके वजह से हम इन्हें मनाते हैं, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं और क्या क्या उन्होंने बलिदान भी दिए हैं। वी सेलिब्रेट नेशनल डेज एज फेस्टिवल्स, वी कॉल देम एज अ नेशनल फेस्टिवल। तो कुछ नेशनल डेज हैं जिन्हें हम त्योहारों की तरह मनाते हैं और उन्हें हम नेशनल फेस्टिवल भी बोलते हैं। इट इज ओकेजन ऑफ फन, जॉय एंड प्राइड फॉर ऑल इंडियंस। ये जो टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा एक तो फन के लिए होता है, इंजॉय करते हैं इसमें लोग, और बहुत ही ज़्यादा गर्व वाली बात भी है इंडियंस के लिए। वी सेलिब्रेट मेनली थ्री नेशनल फेस्टिवल्स सच एज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती आर आवर नेशनल फेस्टिवल। हम ज़्यादातर जो नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं वो कौन कौन से मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। सबसे पहले हम बात करेंगे रिपब्लिक डे की। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। आवर कंट्री बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस, जिसको 26 जनवरी को मनाया जाता है, और इस दिन हमारा जो देश है उसको एक संविधान मिला था। कब मिला था? 26 जनवरी 1950 में। ऑन द रिपब्लिक डे अ ग्राउंड परेड इज हेल्ड एट राजपथ इन दिल्ली। दिल्ली में इस दिन जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? परेड निकालते हैं। अब प्रेसिडेंट टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड, और जो राष्ट्रपति होते हैं वो सैल्यूट करते हैं। ब्रेव चिल्ड्रन रिसीव ब्रेवरी अवार्ड्स ऑन दिस डे। जो बहादुर बच्चे होते हैं उनको इसके लिए रिवार्ड भी मिलता है। दे राइड ऑन डेकोरेटेड एलिफेंट्स इन द रिपब्लिक डे परेड। इट इज अटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, चीफ गेस्ट एंड ऑल ऑफिशियल्स ऑफ द कंट्री। तो इस दिन जो है एलिफेंट्स को भी सजाया जाता है और उस पर भी कुछ लोग बैठते हैं। इट इज, और इसके अलावा जो ऑफिशियल जो हमारी जितने भी होते हैं लोग, जैसे प्रधानमंत्री और चीफ गेस्ट, ये सब भी उस परेड को अटेंड करते हैं। उसके बाद आता है अब प्रेसिडेंट होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द राजपथ एंड एड्रेसेस द नेशन। इस दिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं राजपथ में, और क्या शो करते हैं? हमारे राष्ट्र को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस डे। 15 अगस्त इज आवर इंडिपेंडेंस डे। ऑन 15 अगस्त 1947 आवर कंट्री गॉट फ्रीडम। 15 अगस्त को ही हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, और 15 अगस्त 1947 में ही हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था, उसे आज़ादी मिली थी। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे, आवर प्राइम मिनिस्टर अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। हर साल जो है हम इस दिन को मनाते हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो नेशनल फ्लैग को होस्ट करते हैं। ही डिलीवर स्पीच, आवर नेशनल फ्लैग इज ट्राईकलर, और वो भाषण भी देते हैं। और इसके अलावा जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो ट्राईकलर का होता है, मतलब तीन रंग का होता है, तिरंगा बोलते हैं जिसको हम। उसके बाद आता है गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। इट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू मार्क द ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये क्यों मनाते हैं? इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी इज कॉल्ड द फादर ऑफ
नेशन। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। ही हेल्प्ड अस टू गेट आवर फ्रीडम। इन्होंने भी आज़ादी दिलाने के लिए देश की मदद की थी। ऑन गांधी जयंती आवर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मैनी अदर लीडर्स ऑफर ट्रिब्यूट्स एट द गांधी समाधि एट राजघाट दिल्ली। तो इस दिन जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो सब उनकी समाधि पर जाकर उनको सैल्यूट करते हैं। वी ऑल्सो रिमेंबर अदर ग्रेट लीडर्स ऑन देयर बर्थडेज। और भी बहुत से लीडर्स होते हैं जो उनके जन्मदिन पर उनको याद किया जाता है और उनके बारे में इस भाषण भी दिया जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वर्कशीट की। जिस तरह से मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया, अब उसी पर बेस जो है ये मैंने वर्कशीट बनाई है। तो अब इसको हम करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस है। वी सेलिब्रेट नेशनल डेज एज। नेशनल डेज को कैसे मनाते हैं, फेस्टिवल या हॉलीडेज? फेस्टिवल। द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कब सेलिब्रेट होता है रिपब्लिक डे? 26 जनवरी। On 15th August 1947, our country got chocolate of freedom. Freedom. Gandhi Jayanti is celebrated on 12 October or 2 October? 2 October. ठीक है? उसके बाद आता है True False. We celebrate national days as festival. True. Brave children receive bravery awards on the Republic Day. True. 26 January is our Independence Day. False. Republic Day होता है। On 15th August 1947, our country got freedom. True. उसके बाद मैचिंग देख लेते हैं। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2nd October। रिपब्लिक डे 26 जनवरी। इंडिपेंडेंस डे 15th अगस्त। इस तरीके से आप मैचिंग कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों को आप एक एक्टिविटी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्लैग बनाया है, तो बच्चा क्या करेगा, इसको पे कलर करेगा। कलर करने के बाद बच्चे को बहुत ही ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और उसको समझ में भी आएगा कि ये फ्लैग क्यों हम मतलब इसको कलर कर रहे हैं। और इसके बारे में आप कुछ बातें भी बता सकते हैं, जैसे ये ट्राई कलर का होता है, इसमें व्हील होता है जिसमें 24 स्टिक्स होती हैं। तो इस सब चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सी ये बच्चा इसको कलर करेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेगा। इस तरीके से आप इसमें कलर करा सकते हैं बच्चों को। तो बच्चों को फ्लैग के बारे में भी पता चलेगा, उसके कलर्स के बारे में भी पता चलेगा और उसकी एक एक्टिविटी भी हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।